क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि किसी बहुभुज के अंतः कोण एपी में है, ठीक है, यदि न्यूनतम कोण 75 डिग्री है और पदांतर 10 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। मान लेंगे कि माना बहुभुज में एन भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, एन भुजाएं हैं, और न्यूनतम कोण को ए मान लेते हैं 75 डिग्री। अच्छा, पदांतर यानी कि एन, यहाँ डी का मान पदांतर जो दिया है 10 डिग्री दिया है, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। कितना भुजा मैंने है एन, तो आपको याद है एस एन बराबर फॉर्मूला एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए नहीं जानते हैं, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a, तो ए के जगह पे 75, चलिए प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पे कितना 10, चलिए एन बाई टू अंदर हो जाएगा 150 और प्लस इसमें गुणा करिए 10n माइनस में 10 डिग्री, चलिए n बाई टू यहाँ 10n और ये दोनों जुड़ यहाँ घटेगा ना 150 में से, तो 140 आ जाएगा, चलिए इसमें गुना करते हैं, तो इसमें इससे गुना करिएगा हो जाएगा 5n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 70n, इसमें इससे गुना करेंगे तो 70n हो जाएगा, है ना, चलिए यानी कि यहाँ n पदों का योग आपका 5n स्क्वायर प्लस 70n आ गया। और चूंकि आप जानते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे याद है क्लास 8 में, n माइनस 2 इंटू 180 होता है, बढ़े ना, चलिए तो ये मान और ये मान दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी इसलिए 5n स्क्वायर प्लस में 70n बराबर में n माइनस 2 इंटू में 180। एक काम करें, यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं, आसान रहेगा, n स्क्वायर प्लस कितना बार में, तो 14 बार में बराबर में n माइनस 2 इंटू 180, 5 को इधर भाग में भेज देते हैं, ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस 14n बराबर में n माइनस 2 इंटू 180 और बटा में 5, चलिए इसको इसे काट देते हैं, कितना बार में कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 5 से 36 बार में कट जाएगा, क्या 5 × 15 = 30, ठीक है 36 बार में कट जाएगा, चलिए n स्क्वायर प्लस में 14n बराबर में यहाँ 36n माइनस का 72, चलिए एक तरफ करते हैं एन स्क्वायर प्लस में 14n माइनस का 36n, ठीक है, और प्लस का 72 बराबर में 0, तो एन स्क्वायर यहाँ ये घटेगा माइनस का कितना हो जाएगा 22n, ठीक है, और प्लस में 72, चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर यहाँ आसानी से हो सकता है एन स्क्वायर माइनस में 18n माइनस में 4n प्लस में 72 बराबर 0, n कॉमन होगा यहाँ से n माइनस 18, यहाँ से माइनस 4 कॉमन होगा n माइनस 18, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया n माइनस 18 और n माइनस 4 बराबर में 0, अलग अलग करिए n माइनस 18 बराबर 0 और n माइनस 4 बराबर 0, n बराबर 18 हो गया और यहाँ से n बराबर 4 आ गया, समझे, चलिए लेकिन यहाँ पे दोनों होगा कि नहीं ये पहले चेक करना होगा, यानी कि n जब 18 का रहा है तो इसका 18वां पद निकाल के देख लेंगे a प्लस 17d, तो a का मान आपके पास 75 है प्लस 17 इंटू d का मान, तो d का मान आपके पास 10 है, तो 75 और प्लस 170 दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 14 = 4 × 1 = 2, कभी एक अंतः कोण 245 डिग्री का होगा, नहीं होगा, जो कि ये होगा तो ये आपका क्या होगा, एक बहुभुज बनेगा ही नहीं, अंतः कोण इतना बड़ा तो होगा नहीं, इसलिए भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए
है ना, तभी वो बहुभुज बन जाए बनेगा, इसलिए ये चीज नहीं होगा, 18 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। क्वेश्चन नंबर